अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। यहाँ मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ, तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मानीम, यहाँ मैंने ये सेब लिए हैं, इनको आपने फ्रेश ही काटना है क्योंकि एकदम इनका कलर जो है इस तरह रेड रेड हो जाता है। यहाँ पे अंगूर है, ये बनाना आ गया जी। अनार सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने खजूर लिए, इनको मैंने काट लिया, 5 से 6 खजूर मैंने लिए। और ये कुछ नट्स हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट वगैरह मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने वो डाल दिए। और ये कुछ किशमिश है, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी जो है ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने एक पाव दही लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और ये 2 चम्मच पाउडर शुगर है, हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो इसका टेक्सचर है वो क्रीमी क्रीमी सा हो जाए। अच्छी तरह से फेंटना है। दही को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत इजी है बनाना, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप दही की जगह क्रीम ऐड कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। मैंने ये 2 चुटकी के करीब चाट मसाला लिया है, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। चाट हमारी तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है, अभी हम इसको सर्व करते हैं। ट्रे में डालते हैं सारा। फाइनली मेरी फ्रूट चाट बन के तैयार हो चुकी है, अभी मैं इसको चेक करके बताती हूँ। ये बहुत मज़े की बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।